तो देखो यहाँ तक हो गया था अपना लास्ट क्लास में, ये पूरा लेफ्ट वाला रीजन हो गया, ठीक है, ये वाला बचता है। तो उसमें क्या करना, अपन को इस डायरेक्शन लगाए थे स्ट्रोक्स, तो अब क्या करना, अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ, पास पास लगाओ, थोड़े हैवी से लगाओ ऐसे स्ट्रोक्स प्रेशर के साथ। ठीक है, इस तरीके से लगाते लगाते ये वाला रीजन भरा। अब देखो चिन के नीचे यहाँ थोड़ी डेप्थ है, तो यहाँ पे जो स्ट्रोक्स लगा रहे हो इन्हें थोड़ा और एक और लेयर लगाओ, लेकिन थोड़े प्रेशर के साथ, ठीक है, इस तरीके से। फिर अपोजिट डायरेक्शन में, इससे क्या होता, थोड़ी थोड़ी डेप्थ आ जाती है। ठीक है, अपन को एक और डायरेक्शन चाहिए होती है, तो अपन क्या करते हैं, तीसरी डायरेक्शन हमेशा या तो पहली डायरेक्शन वर्टिकल डाल दो या लास्ट डायरेक्शन अपन वर्टिकल डाल देते हैं, वो डिपेंड करता है स्केच टू स्केच पे, लेकिन यूजुअली अपन यही प्रेफर करते हैं। इस तरीके से किया, फिर हल्की हल्की हैचिंग ये थोड़े बीट्स के अंदर भी कर लो। इस तरीके से, ओके फिर ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे बस ऐसे वर्टिकल वर्टिकल है, थोड़ा यहाँ पे एंगल में जा रही है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ये यहाँ की तरफ आ रही है हैचिंग, और फिर ये यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे तो लाइट था क्योंकि इस वाले पोर्शन में देख सकते हैं अपन रेफरेंस में लाइट हैचिंग है, ये वाला पोर्शन थोड़ा डार्क है, तो यहाँ पे क्या करना, थोड़ा पास पास करना है अच्छा, फर्स्ट लेयर ही करो और पास पास करो। ठीक है, ये एक लेयर हो गई, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और लेयर डाल दो। तो इस तरीके से जो भी अपना नेक वाला पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद शोल्डर वाला करेंगे, तो पहले नेक वाला कर लो इतना। तो देखो शोल्डर वाले रीजन पे अपने रेफरेंस में कैसा है, यहाँ पे डार्क है, तो दो डायरेक्शन है, एक तो ये बाहर निकलती हुई डायरेक्शन है, ठीक है, बाहर वाले जो हिस्से आते हैं उसमें थोड़ा गैप के साथ आता है, अंदर अंदर थोड़ा पास रखो। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर क्या हो जाती है, वही क्रॉस हैचिंग अपनी, एक डायगनल इस साइड आता जाएगा, नीचे आते आते हल्का होता जाता है, नीचे आते आते सिर्फ डार्क नहीं भर रहे अपन, लाइट ही रख रहे। और फिर जो तीसरी डायरेक्शन है वो अपने अपोजिट डायगनल हो गया, परपेंडिकुलर, नीचे आते आते ये भी ऐसे लाइट हो गई। सेम चीज बाहर की तरफ कर सकते हो, या फिर बाहर ऐसे वर्टिकली लगा सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी जो कॉलर आ रही इस पे भी अपन उसी तरीके से रख कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन हॉरिजॉन्टल हैचिंग करते जाओ। और फिर ऐसे वर्टिकल वर्टिकल स्ट्रोक्स लगाते जाओ। ठीक है, ये थोड़े जो बाहर की तरफ आ रहे हैं वो रैंडम से स्ट्रोक्स हैं थोड़े, तो तुम्हें भी बस ऐसे ही लगाने बाहर की तरफ निकलते हुए। ठीक है, और हल्का हल्का इनमें भी क्रॉस हैचिंग कर दो। फिर नीचे वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना करो, इसके बाद बाल काटते हैं। एक चीज और करो कि अपनी कोई डार्क पेंसिल लाइक 4B या 6B लो, ओके, और ये जो बीट्स हैं इस साइड वाली उनको थोड़ा सा आउटलाइन डार्क सी दो थोड़े उनके सराउंडिंग में,
ठीक है, क्योंकि अपने रेफरेंस में इन पे भी थोड़ा डार्क करो। इस तरीके से हल्का हल्का इनके आसपास ऐसे थोड़ा डार्क डार्क शेड भी कर दो। हो जाता है। तो देखो क्या करना है अपन को, हेयर्स जो है यहाँ से यहाँ तक बना लिए थे जो चेहरे पे आ रहे, तो उनको पीछे से एक्सटेंड करते हुए ऐसे आ रहे, इन्हें थोड़े प्रेशर के साथ बनाना ताकि इसमें मिक्स हो जाए। देखो वैसे कर्व सारे अब यहाँ से कर्व होते हुए चेहरे की तरफ नहीं आएंगे, कुछ यहाँ से कर्व होते हुए यहीं पे आ रहे। ये वाला पोर्शन देखो ये से कर्व होते हुए तो ऊपर ही वापस मुड़ गया, ये से नीचे की तरफ आ रहा, फिर नीचे से ऊपर की तरफ चला गया। कैसे, ये यहाँ से ऐसे आ रहे, थोड़े नीचे की तरफ आ रहे हैं ऐसे फोरहेड पे, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेंगे और फिर कुछ यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो इसी तरीके से होगा आपका, एक बेसिक आइडिया समझो। मैं पहले आगे वाले पोर्शन के करा देता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा है, एक इतना हिस्सा समझो कि ये तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ऐसे अपन ऐसे ड्रॉ नहीं करते, तो मेरे फ्लो में आना चाहिए बात। तो इस तरीके से ठीक है ये हुआ। अब इसके ऊपर वाले पोर्शन में यहां से आ जाएगा, तो अपन इस तरीके से कर्व करते जाएंगे। तो अपन ने एक पोर्शन किया, ठीक है। अब यहां से जो है ये जैसे है, ये अंदर अगर ध्यान से देखो तो ऐसे फ्लो फ्लो में आते हैं ज्यादातर अपने, थोड़े नीचे की तरफ अपन को ये वाला पोर्शन भी फिल करना है। तो यहां से भी स्ट्रोक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे हल्के से कर्व में ला, ऐसे नहीं कि कहीं से भी रैंडमली एकदम स्टार्ट कर दिए, फ्लो रखो, एक पेंसिल आगे पकड़ के रखना ताकि बहुत एकदम टिप पे भी नहीं, थोड़ा इधर पे, ताकि एकदम फ्लो भी बना रहे, तुम्हारे पास रेंज ऑफ मोशन भी हो और पेंसिल पे डेप्थ भी आती रहे, ठीक है। इस तरीके से अपन ने एक पोर्शन किया, ज्यादा कुछ नहीं डायरेक्शन में डिफरेंस है, सब में बस एक ही डायरेक्शन आ रही है, नीचे स्ट्रोक्स में अपन ने जो लगाए थे उनमें कनेक्ट हुआ, बाकी ये ऊपर ये सी शेप जो तुम्हें दिख रहा है उसमें। फिर ये यहाँ वाले जो फोरहेड के सामने ऐसे आ रहे हैं ना, ये इस तरीके से डार्क डार्क आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, अभी कुछ ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ भी निकल रहे हैं, बाहर की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं निकालते रहे, एक आध दो ही, ठीक है। ये इस तरीके से आ रहे हैं, इनको ऊपर से ऐसे कनेक्ट कर दो यहां से एक हल्के हल्के कर्व के साथ, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक पोर्शन अपना हो जाता है। तो पहले इतना करूं, तो यहां देखो ये बाल है, यहां से अपन ने कर्व बना लिया, यहां से अब देखो थोड़े पीछे की तरफ ऐसे जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। फिर ये इस तरीके से फ्लो में आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे थोड़े बाहर से निकलते हुए, ठीक है। इनमें अंदर इस तरीके से हैचिंग कर देते हैं अपन, एक एरिया डिफाइन करने कि पहले ये वाला एरिया कंप्लीट करो, तो यहाँ हैचिंग कर ली, अब इसको ऐसे स्ट्रोक्स के साथ फिल कर देते हो, ठीक है। फिर यहां से ऐसे पीछे, यहाँ से ऐसे थोड़े बाहर की तरफ बाल निकल रहे, एक आध दो, फिर मेजोरिटी क्या हो रहा है, इस तरीके से कर्व होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे, तो अपन को भी वही करना है, तो
थोड़े इधर उधर हो रहे थोड़े यहाँ वहां जो बिखर से रहे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने फ्रंट पोर्शन किया, ये थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन भी साथ में देख, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से बाल जो है वो इस तरीके से पीछे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से जो बाल हैं वो ऐसे कर्व होते होते यहाँ की तरफ आ रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे कर्व करते करते अपन यहाँ ले आए, और इसके बाद अपन यहाँ की तरफ चले। पहले अभी इतना वाला पोर्शन कर लो, ये फ्रंट वाला, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस वाले एरिया पे आना है अपन को, तो ये वाला एरिया करेंगे अभी। तो इसमें कैसे होगा, ठीक है, ये इतना किया, तो यहाँ से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स ले जाओ या ऊपर से नीचे की तरफ ले जाओ, कुछ भी चलेगा। ऐसे कर्व करते करते बस फ्लो में चलाते रहो हाथ, उल्टा सीधा कहीं पे ऐसे भगाना नहीं है, जैसे बाल दिख रहे हैं वैसे ही फ्लो में आना चाहिए हाथ। ये डायरेक्शन चेंज हो गई अपनी, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे आता रहेगा, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ ले जाओ स्ट्रोक्स, ठीक है। इस तरीके से हुआ, ये वाला जो पोर्शन है उसमें क्या करना, स्ट्रोक्स, ये जो फ्लो दिख रहा है इसी डायरेक्शन में लाना है। तो पहले इस डायरेक्शन से लाते लाते तो धीरे धीरे कर्व होते जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया, इसके बाद अपन अभी के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट वाले में अपन ये वाला जो पोर्शन आता ना ये करेंगे। तो पहले अभी इतना कर लो, और आज के लिए इतना काफी है।